हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर दोस्त हैं जो पेशे से मैकेनिक भी हैं। कुछ मंथ पहले मैंने ये वाली वीडियो डाली थी, तो उन्होंने मेरी ये डायोड वाली वीडियो देखी थी। उस टाइम उन्होंने मुझसे बोला था कि आपकी वीडियो गलत है, ऐसा डायोड मैंने कहीं किसी बाइक में नहीं देखा है, ये फैंसी आइटम है, ये महंगी बाइक्स में ही होते हैं और क्लच स्टार्ट में रिले यूज़ होती है, तो उनका ये मानना था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में उनका डाउट भी दूर कर दूंगा और रिसेंटली मेरे कुछ व्यूअर्स का भी सेम यही क्वेश्चन आया है। तो आइए देखते हैं कि ये डायोड होता कहाँ है। ये डायोड उन्हीं बाइक्स में मिलेगा जिन बाइक्स में आप क्लच दबा के गियर में जो गाड़ी है वो क्लच दबाने के बाद ही स्टार्ट होती है, ये उन्हीं बाइक में मिलेगा। तो ये पैशन प्रो में तो है ये। आइए मैं दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी बाइक में तीन जगह पर हो सकता है। पहला तो आपके जो हेडलाइट का वाइजर है उसके नीचे, या आपकी टैंक के नीचे, या आपके इस पिछले वाले बाइक के पीछे वाले हिस्से में हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको उसको ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको वाइज़र खोल के देखना पड़ेगा, या फिर आपको टैंक के नीचे खोल के देखना पड़ेगा, और या तो फिर आपको अपनी वायरिंग हार्नेस जो होती है उसको आपको चेक करना पड़ेगा, उसको ट्रेस करना पड़ेगा आपको। तो आप ट्रेस करेंगे, ज़्यादातर तो ये वायरिंग हार्नेस के ही अंदर आपको इनबिल्ट मिलता है, तो ये वायरिंग हार्नेस के अंदर ही इसको लपेट देते हैं टेप से। आइए मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं ये छोटा काला सा बॉक्स है, यही आपका डायोड है। आप देख सकते हैं इस पर प्लस और माइनस का निशान लगा हुआ है और डायोड का सिंबल भी बना हुआ है। तो ये आपकी वायरिंग हार्नेस के अंदर ही मिलता है। ये मैंने इसको निकाल लिया है। फ्रेंड्स, जब ये ख़राब हो जाता है तो ये शॉर्ट हो जाता है। तो आइए इसको शॉर्ट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। शॉर्ट करने से क्या होता है, जब शॉर्ट हो जाता है तो गियर में भी आप क्लच दबाएंगे तो आपके न्यूट्रल वाली लाइट जलेगी। तो यही इसकी पहचान है। अब आपको भी पता चल गया होगा कि ये जो डायोड होता है ये कहाँ पर होता है और इसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।